अब बढ़ते हैं झारखंड की ओर, जहां झारखंड असेंबली इलेक्शन में 44 सीटों में झामुमो और 27 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जेवीएम महागठबंधन से अभी बाहर हो चुका है। देखिए, आपको पता है कि झारखंड की अगर रुक करें तो वहां पे राजनीतिक समीकरण इस वक्त काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस वक्त खावी है, क्योंकि वहां पे जल्द ही चुनाव होने वाला है और हाल ही में इलेक्शन कमीशन वहां पे अनाउंसमेंट कर सकता है चुनाव की तारीखों को। उसको लेकर अभी से कांग्रेस ने पूरा गठजोड़ वहां तैयार करना शुरू कर दिया और उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाने की उसने तैयारी की है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना बड़ा भाई भी मान लिया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी तक जो तमाम रिपोर्ट्स आई मीडिया रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा 44 और कांग्रेस 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व करेंगे। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है रघुवर दास दोनों पार्टियों के सामने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हैं और रघुवर दास अभी फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में वो भी अपने विकास को लेकर कहीं ना कहीं लोगों तक जा रहे हैं, मुकाबला बहुत कड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जेवीएम से इस वक्त कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है और देखिए अभी ये जो महागठबंधन से इसको जेवीएम से किनारा किया है, बाहर कर दिया गया है, ऐसे में जेवीएम क्या एक्शन लेगा और किस हिसाब से ग्राउंड पे काम करेगा और जो यहाँ पे फैसला लिया है इन दोनों ने, कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वो ये कितना कारगर होगा। लेकिन फिलहाल अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा डेट, उसके बाद सभी हालांकि अभी सभी ने वहां पे अपनी वहां पे आपको पता है कि जमीन स्तर पे काम करना शुरू कर दिया है। रघुवर दास भी वहां पे बीजेपी की बात करें तो जनसंपर्क अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया गया, इसके अलावा लोगों से संपर्क साधने के लिए तमाम कोशिश इस वक्त की जा रही है और चुनाव बहुत ही जब अनाउंसमेंट हो जाएगा हाल ही में तो उसके बाद ये राजनीति जो है वहां पे और काफी हावी हो जाएगी।